बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 साल बाद फिर से शराबबंदी के लिए शपथ के पथ पर हैं। पटना में 26 नवंबर को मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को लेकर अधिकारियों कर्मियों को आजीवन शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई। नीतीश ने शपथ में ऐसे संकेत दिए कि उन नेताओं पर लगाम लगाना है जो लगातार शराबबंदी को खत्म करने पर बयानबाजी कर रहे हैं। इनमें विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के भी नेता विधायक शामिल हैं। नीतीश कुमार ने ऐसे लोगों को कड़ी फटकार लगाई है। नीतीश कुमार सब लोग पढ़ते जाइए, मैं के बाद सब पढ़िए अपना, अभी पढ़ेंगे। मैं नीतीश कुमार आज दिनांक 26/11/2021 को ज्ञान भवन पटना के प्रांगण में सत्य निष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। शामिल पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। बहुत धन्यवाद। सब लोग अपना हस्ताक्षर करेंगे। नीतीश ने यह भी साफ कर दिया कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अगर पुलिस को शादी विवाह में सूचना मिलती है तो वहां भी जांच करने जाएगी। जिसे जो मुद्दा बनाना है वो बनाए। लोगों को ठीक ढंग से पकड़ लीजिए। एक जगह चला गया देखने के लिए कोई, अब कोई कहीं पर महिला थी तो उसको लेकर के लोग बोल रहा था। अरे जाएगा नहीं, पुलिस वाले को अगर किसी को पता चलेगा या मद्य निषेध विभाग को पता चलेगा और ये कहा गया है कि उसको देखिए कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं है तो वहां जाकर के देखिए। अगर किसी को जानकारी मिली और उसको जाकर के देखने गया तो गुनाह है। वही दूसरी तरफ बिहार के डीजीपी एस के सिंघल ने पुलिस मुख्यालय में सूबे के सभी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों और अन्य कर्मियों को आजीवन शराब नहीं पीने की शपथ दिलवाई। मैं संजीव कुमार सिंघल अपना नाम पढ़ेंगे, पुलिस महानिदेशक बिहार, आज दिनांक 26/11/2021 को पुलिस मुख्यालय के प्रांगण में सत्य निष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं अथवा ना रहूं, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित करूंगा।